फाइनली अभी हम आ चुके कॉलेज में और ये धोती है, अब हम इसे खाएंगे आराम से। होती हमारी क्या वो लड़की है एक रोटी खाने के बाद बोल रही हूँ मुझे सांस नहीं आ रही सब एक साथ बढ़िया वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे अपनी टू फैमिली आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस तुम्हारा भाई भी ठीक है और अभी मैं हूँ ऋषिकेस में, अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो फिलहाल आज का सीन ये है कि आज काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई अब वापस से ऋषिकेस शिफ्ट हो चुका है। पिछले साल मैं ऋषिकेस में था तो उसके बाद मैं अभी 5-6 महीने लास्ट सेप्टेम्बर में देहरादून शिफ्ट हो गया था, वापस से मैं अभी ऋषिकेस आ चुका हूँ। चलो मैं तुम्हें रूम भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा तुम्हारे भाई का बेड और अभी शिफ्ट करा, अभी ज़्यादा सामान नहीं है, ये रहा किचन वगैरह सब। तो रूम बताओ कैसा लग रहा है। बाकी मैं आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ, भाई तुम्हारे भाई को उन्होंने ना टॉप फ्लोर पे डाल दिया क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई ये बंदा टॉप का ही है। तो देखो तुम्हारे भाई को यहाँ टॉप फ्लोर पे चढ़ा रखा भाई, चाय बजरंगली। भाई ऊपर आते आते ना हालत ख़राब हो जाती है भयंकर। भाई एक बार आए तुम और कुछ सामान लाना भूलिए तो भाई दिमाग इतना ख़राब होता है ना, बार बार नीचे भागना पड़ता है। तो फिलहाल अभी का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं कॉलेज और मैंने सोचा कि ना कॉलेज का ब्लॉग बनाया जाए क्योंकि बहुत टाइम से यार मैं बनाने की सोच रहा था और काफ़ी सारे दोस्त लोग भी कह रहे थे, काफ़ी सारे भाई लोग कह रहे थे कि यार रेगुलर ब्लॉग करो रेगुलर करो। तो अब जाके मैंने कहा रेगुलर करते हैं, अब जाऊँगा मैं कॉलेज, कॉलेज 8 बजे का। फाइनली अभी हम आ चुके कॉलेज में और देख सकते हो यहाँ पर शटकम चल रहा है आज हमारा, मतलब हफ्ते में 2 दिन हमारी ऐसी वाली क्लास चलती है शटकम वगैरह, बाकी और दिन हमारा प्रैक्टिकल चलता है। तो कैसे ये देख लो सारे बॉयज़ ये रहे, ये रहा हमारा जयराम आश्रम, बाकी वहाँ पर मैम भी करके दिखा रही है। ये देखो मुंह से पी करके नाचते निकालना, ये हुई ना बातचीत ही कह दे। चल भाई सूरी ये सब बात कर दिया। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। गाइस ये देखो गाइस अब इसकी बारी है, ये धोती है, अब हम इसे खाएंगे। 14 फीट लंबा है, 12 फीट लंबा होता है आज जो भी है, इसको पूरा खाना है तो खाना और फिर वो रही हमारी मैम अंजना मैम। क्या करना है उसको सीधे टक कर दो अंदर, ठीक है? जैसे तुम्हें लगेगा ना वॉमिट सा आ रहा है तुरंत क्या करना है, एक घूंट पानी का पी लेना है, फिर उस सेंसेशन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना। फिर जब हम मुंह में कुछ डालते हैं ना तो हमें क्या होती है वॉमिट आती है, तो तुम्हें वॉमिट आएगी, अभी वो अंदर भी नहीं गया, तुम्हें मुंह बंद कर देना है, मुंह बंद करके उस सेंसेशन को फील करना है थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही लगेगा थोड़ा आराम मिल रहा है, थोड़ा सा पानी पीना है, उसको गटकना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, जिम को पानी करो, लास्ट में रखो, चलो स्टार्ट करो उसका वीडियो बनाना। ऐसे नहीं बैठे, ऐसे बैठ के बैठो लास्ट, जहाँ ये पिकलोटी से मारक दो, हाँ ऐसी ऐसी जैसे टैबलेट खाते हैं, वेरी गुड, हाँ निकल जाओ, ठीक है। ये धोती तुम्हारी सूखी है, यहाँ से चलो निकलो निकलो अब, बस मुंह बंद करके थोड़ा पानी पी लो, दिखाओ मुंह दिखाओ, अभी क्या ना हाँ थोड़ा सा अंदर गई है, वेरी गुड। अब क्या करो ये ज्यादा ना भीगी नहीं है तो थोड़ा पानी लो मुंह में पानी भरो, अब इसी के साथ उसको भी और इसको और अंदर डालो, वेरी गुड। देखो इसको सूरज को देखो, बहुत सही हो रहा है इसका, बस सेंसेशन रोक के रखना है, जैसे इसको वोमिट आ रहा है ना तो इस सेंसेशन को रोक के रखना है, वेरी गुड। अब यहाँ से मुंह पर उठाओ आराम से। शाबाश। तो गाइस अब हम करने वाले डंडे इसमें क्या करना है, सिंपली आपको पहले 2 गिलास ये जग पीना है, उसके बाद ये डंडा आपको मुंह में डालना है, मैं पहले थोड़ा सा पानी। चौथा सेमेस्टर अब चल रहा है हमारा, मुझे आता है ना सब, मेरी दोस्त बता सकती है।
इससे पूछना कैसा फील हुआ इसे। अगर मेरा गला ना पूरा प्रेशर हो गया। यही नहीं अभी और सुनिए। अबे दो लोटे भी हो गए। दो लोटे भी हो गए, एक लोटा निकाल दिया, लोटा बचा भी स्टोर पे। A few moments later. Guys, अभी हम आ चुके हैं अपना शटकर्म खत्म करके और अभी हम बैठे हैं अपने कॉलेज के कैंटीन में। बहुत छोटी सी कैंटीन है और लिमिटेड लोग यहाँ बैठते हैं, वीआईपी लोग। अभी हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर। ये रही प्रीति, हमारे ग्रुप में नहीं आई है। बाकी ये रही प्रिया, ये रही कुंजुम, वो रहा सोमेश, बाकी वो भी अपने साथ के ही है। और भाई राहुल चीता ही कह दे। ये देखो ये क्या ला रहे हैं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसमें डाल दिया है। Women. पांच रुपए ये देगी भैया एक्स्ट्रा। मैंने एक ही पैकेट खाया, ये रहा मेरा पैकेट। मैं मुंह पे मार देती हूँ, फ्रिज के किनारे से पिट जाएगी। अब निकाल लेंगे कैसे उसे। कहाँ गई वो? प्यार से बात हो सकती है, देख हाथ नहीं छोड़ना। अबे हाथ मत छोड़ यार, हाथ नहीं छोड़ना। क्या हुआ, सामने वाले ने छोड़ दिया क्या? तूने नीचे से 50 रुपए मेरे पैर मार दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देख तो बना लिया। उल्टा नहीं चढ़ता, इंटेंशनली करो तो चढ़ता। मुझे लगा वहाँ पे पता क्या है, मुझे लगा वहाँ पे डंडा है, मैं तो डंडे को मार नहीं सकते। मुझे नहीं पता तेरा पैर। शाबाश, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी आज हम आ चुके हैं अपनी नई बिल्डिंग में। आज हमें नई बिल्डिंग में भेज दिया। हमारा कुछ नहीं है इस कॉलेज में, इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। कभी हमें इधर भेज सकते हैं, कभी हमें इधर भेज सकते हैं, हमें कहीं भी भेज सकते हैं। कोई परमानेंट क्लास नहीं है हमारी। फर्स्ट ईयर में थी तब तक हमें इज्जत मिलती थी, प्रोवाइड करी जाती थी, थोड़ा प्रायोरिटी मिलती थी। बट अब नए बच्चों को मिल रही है हमारी कोई इज्जत। उन्हें पता है साला लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद में अपना बस्ता उठा के घर निकल जाएंगे। बात तो सही है, मुझे तो पूरा कॉलेज याद रखेगा, सर मैम सब याद रखेंगे। मैं सबके नाम पर दम कर रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। सांस आ रही है? मुझे सांस नहीं आ रही है। गाइस ये वो लड़की है जो बचपन में खाना खाती थी ना, एक रोटी खाने के बाद बोलती थी मुझे सांस नहीं आ रही। वाओ, वेरी डेंजरस। आ रही है सांस पूरी? ये बेइज्जती करता रहता है मेरी। और ये वो लड़का है जो पांच रोटी खाने के बाद 5 मिनट बाद बोलता है मुझे भूख लग रही है। सही में भूख लगती है भाई, मुझे अभी भी भूख लग रही है। बहुत अच्छा हुआ कुंजुम ने रख लिया इंतजाम। पानी हाँ थोड़ा बहुत। ऊपर जाके जरूरत पड़ी। ये ब्लॉग देख लिया ना जिस दिन कॉलेज वालों ने, माफ करना गाइस। मैं तो दूर से चरण स्पर्श कर रही हूँ। मैम सर सबसे ये वो है मेरी विनती कि मुझे इसमें ना लपेटा जाए। निर्दोष हूँ। झूठ बोल रहा है। चीता ही कह रहे हैं। चीता ही कह रहे हैं। पहुंच चुके हैं। ये व्यू देखो, ये चेक करो गाइस, हमारा कॉलेज ऐसी खूबसूरत जगह है। ये चेक करो गाइस हमारे कॉलेज की ब्यूटी। सामने गंगा जी बह रही है, ये हमारे जयराम आश्रम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरी पायल देखोगे? दिखाओ। अबे इतनी मेहनत, आज इतने शांत कैसे बैठ गए भाई बच्चे? आज तो खतरनाक ही हो रखा सिस्टम। आज सारे एक साथ बैठेगा, लड़के लड़कियाँ सब सब एक साथ बैठेंगे। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मैं तो दोनों के बीच में बैठूंगा, समझ रहे हो? अभी यहाँ का बैठ रहे हैं। अपना तो सिस्टम यही है भाई। सिस्टम। और भाई प्रियंका क्या हाल है छोटू? अरेस्ट हो गया ना। थैंक्स यार, इसने मुझे रूम दिलाया यहाँ पे ऋषिकेश में। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी इस लड़की ने। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बहुत बढ़िया।
1 hour later. So guys, finally हमारी हो चुकी थी छुट्टी और अभी मैं आ चुका अपने घर और अभी मैंने खाना वाना सब बनाया था, तो बीच में मैं ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी कम थी, मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था फोन। तो फिलहाल अभी मैं आ चुका अपने रूम में और मैंने यहाँ पर खाना वाना सब बना दिया, तो ये चेक करो गाइस, ये रहा हमारा सैलेड एंड ये बनाई है मैंने दाल, ये चेक करो गाइस और ये चेक करो चावल। तो गाइस खाते फटाफट से निकालते मैं खाना, देखते हैं आज का क्या प्लान है। अब मतलब फर्स्ट दिन है क्योंकि कल तो चलो हाफ डे था, कल आधे दिन के बाद आया था मैं, अब देखते हैं अब सही क्या शेड्यूल बनता है मेरा, मतलब क्या रूटीन बनता है डेली का, क्योंकि घूमने वूमने भी चल जाएंगे शाम को और अभी क्लासेस भी लगानी है, उसको भी पता करके आता हूँ शाम को, तो शाम को निकलेंगे बाहर, तो आपसे मिलते चलते शाम को।